फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग सही होंगे। आज मैं आया हूँ जहाँ पे मैं कंप्यूटर सीख रहा था, आज मैं वही सर के पास आया हूँ। कुछ नया सीखने को आज मिलेगा। वो सर हमें बुलाए थे कि कुछ एक नया मतलब बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर पे जैसे आइकॉन पे देखते होंगे फोल्डर, आप सोचते होंगे कि यार ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, कुछ इसमें चेंजिंग किया जाए। तो आज उसी में अपना जो फोल्डर होता है उस आइकॉन को आप चेंज कर सकते हो, अपना फोटो लगा सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कस्टमाइज आप कर सकते हो, जिस तरह से आप रखना चाहते हो फोल्डर उस तरह से रख सकते हो। आज चलते हैं आज सर के पास, सर से मिलते हैं। तो हेलो सर, आपका मेरा YouTube चैनल इसोगा टेक में आपका स्वागत है। तो सर आज मैं आपने मुझे बुलाया था, बोले थे कि जैसे कि फोल्डर में मतलब कुछ नया आप बताने जा रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या मतलब नया अपन है? जी आइए चलते हैं, आइए इधर आइए कंप्यूटर के ऊपर। हाँ जी सर बताइए। अगर आपको अपने कंप्यूटर में हाँ जी शॉर्टकट की तरीके से अपना फोल्डर बनाना है, हाँ जी, तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है, एक न्यू फोल्डर बनकर एक बार और सर तैयार हो जाएगा। शिफ्ट एन, हाँ जी, एक न्यू फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। और इसको आपने बैक स्पेस करके कट करना है और ऑल्ट 0160 एंटर प्रेस करना है, बिना नाम का फोल्डर तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, और आगे सर? बस। और सर ये फोल्डर, बाकी बात ये जो फोल्डर कैसे बनाया जाता है, फोल्डर पे जैसे अपना आइकॉन जैसे फोटो अगर डालना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको MS Paint ओपन करना है और यहाँ से ओपन करके अपनी कोई फोटो खोलनी है। अच्छा जी, तो यहाँ से मैं अपनी कोई फोटो ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने ये फोटो ओपन कर ली, हाँ जी, और इसको हमने करना है 25 जूमिंग करनी है फोटो की। अच्छा जी, सेव एज करना है, हाँ जी, और डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको कोई नाम देना है। इसको मैंने नाम दे दिया है इमेज, और सेव एज टाइप में जाना है और यहाँ से 24 BMP इसको सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। अच्छा, और इसको हम करेंगे क्लोज। और जिस फोल्डर के ऊपर आपने इमेज लगाना है उसके ऊपर क्लिक, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पे जाना है और कस्टमाइज पे क्लिक करना है और चेंज आइकन पे क्लिक करना है और ब्राउज़र पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखना है आपने। जैसे कि मैंने इमेज लिखा था, हाँ जी, इमेज लिख कर ओपन करना है, फिर ओके, फिर अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर ओके। तो आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर के ऊपर पिक्चर लग चुका है, इसका मैंने आइकन चेंज कर दिया है। हेलो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हो कि सर ने बताया है, अब पूरा प्रोसेस आपको पता लग गया होगा कि कैसे आइकॉन जैसे आप चेक कर सकते हो कि आइकॉन चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड आपको पूरा प्रोसेस आपको पता लग गया, तो हेलो फ्रेंड आपको पता लग गया होगा कि क्या प्रोसेस है। देखो कितनी इजीली था कि हम फोल्डर को जैसे मर्जी वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी कोई भी पिक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन जब तक नहीं दबाओगे तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं कि मैं क्या वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्या वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।